आज मैं आपको दिखाने लगा हूँ एक छोटा सा सोलर सिस्टम। ये 585 वाट की एक सोलर प्लेट है कनेडियन। ये इसके हुए हैं कनेक्शन प्लस माइनस के, और ये 6 mm की तार है जो कि नीचे इस होल के जरिए जा रही है, और ये तार यहाँ से आ रही है इस रूट के जरिए इस कंट्रोलर में। ही PWM कंट्रोलर है 50 एम्पीयर का। इस टाइम तो ये लाइट वगैरह सुबह यानी कि बिल्कुल एंड हो चुका है। उसके बाद ये वायरिंग सारी हुई पड़ी है। ये बैटरी हमने ले गई 185 एम्पीयर की 21 प्लेटों वाली। ये जो लाल तार है ये आ रही है सोलर से, और ये जो वाइट तार है ये 3 कनेक्शन हैं लाइट के पंखे के। इस रूट के जरिए ये कनेक्टिविटी जा रही है इस पंखे को, और ये एक बल्ब है इस डीसी बल्ब, यानी कि टोटली डीसी वायरिंग हुई हुई है 12 वोल्ट पे। पंखे भी एसी डीसी हैं और लाइटें भी 12 वोल्ट की। और ये एक होल्डर है जो इसको बल्ब ने लगाया। इस बल्ब का ये स्विच है, यानी कि साथ ही बटन वगैरह दिए हुए हैं, और ये इसका स्विच है इस बल्ब का, और एक इस पंखे की वायरिंग है, और एक ये बल्ब है जिसका स्विच ये नीचे लटक रहा है। यानी कि 2 पंखे और 3 बल्ब जो कि सोलर पे 585 वाट की एक प्लेट पे स्टार्ट चलेंगे। तो ये थे हमारा छोटा सा एक सोलर सिस्टम, जो कि हमने मैक्सिमम इसके अगर पंखों वगैरह के एक्सपेंस डालें टोटल सारा तो मैक्सिमम 1 लाख के करीब पंखे जो पहले लिए हुए थे, अगर खाली पंखे निकाल दें तो मैक्सिमम बैटरी डाल कर 80,000 प्लस इसके ऊपर एक्सपेंस आया। ये वीडियो आपको पसंद आई है नहीं, वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ये छोटी सी वीडियो थी, मिलती है अगली वीडियो तक। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।